हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि 11वीं क्लास में पोइम्स जो इंग्लिश में हैं, सेशन 2021 के लिए हॉर्नबिल के अंदर, बुक के अंदर हमें कौन कौन सी पोइम पढ़नी है, उन पोइम को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 5 पोइम्स हैं, लेकिन 5 पोइम्स में से हम केवल 4 पोइम ही पढ़ेंगे। और 5 पोइम जो है, फिफ्थ जो पोइम है फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स, वो हम नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वो रिड्यूस कर दी गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तो लेट सेशन शुरू हो रहा है, ऊपर से फिर COVID-19 की वजह से सारा कुछ रुका हुआ पड़ा था। तो अभी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, वो आप वहाँ पर देख लेना। तो स्टूडेंट्स, पहली पोइम का नाम है ए फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शेयरली टेल्सन ने। तो ये बहुत अच्छी पोइम है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे आपको बताएंगे। सेकंड पोइम द लेब्रुनम टॉप, टेड ह्यूग्स। लेब्रुनम टॉप यानी कि ये एक वृक्ष है जिसके बारे में बताया गया है, इस पर एक पक्षी रहता है गोल्ड फिंच नाम का। तीसरी पोइम द वॉइस ऑफ द रेन, इसमें आवाज़ जो जिसको लिखा है वाल्ट विटमैन ने। तो रेन के बारे में बात की जा रही है, इसमें पोइट और रेन की बात होती है स्टूडेंट। फोर्थ पोइम चाइल्डहुड, बचपन के बारे में, मार्क्स नेटन ने इसको लिखा है, बहुत बेहतरीन पोइम है। तो स्टूडेंट्स, कुछ थोड़ी सी शुरुआत कर रहे हैं। फिफ्थ पोइम फादर टू सन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले बताया था इस सेशन में। तो ये हमारी पोइम्स हैं, ए फोटोग्राफ शेयरली टेल्सन, सेकंड द लेब्रुनम टॉप टेड ह्यूग्स, थ्री द वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमैन, फोर्थ चाइल्डहुड मार्क्स नेटन। तो स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम पहली पोइम पढ़ेंगे ए फोटोग्राफ, और ये हमारी हॉर्नबिल के अंदर है बुक्स में। तो आई होप आप ये लिख लेंगे और आपको समझ में आया होगा। तो जस्ट ए स्टार्टिंग ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।